तो महंगाई का आम जनता पर भारी अटैक हुआ है। बता दें कि देश में महंगाई बढ़ने की कई वजह सामने आई है। एडवर्स बेस इफेक्ट की वजह से हेडविंड इन्फ्लेशन ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें हाल ही में लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई पर काबू होने की बात कही थी, पर अब जो आंकड़े आए हैं वे कुछ दूसरी की कहानी बयां कर रहे हैं। बता दें हिंदुस्तान में महंगाई चरम पर है और हाइपरसैनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रफ्तार से आमजनों के पॉकेट पर अटैक कर रही है। इस महंगाई की रफ्तार काफी तेज हो गई है। बता दें कि दिसंबर के मुकाबले जनवरी में इसमें 0.80% की वृद्धि हुई है। देश में इस समय गेहूं, चावल और दाल से लेकर अधिकांश खाद्य पदार्थों के दामों में उछाल देखने मिल रहा है। साथ ही मसाले की कीमतें में भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। हर घर की जरूरत दूध में तो पिछले 6 माह में कई बार 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जनवरी महीने के महंगाई के आंकड़े कल शाम आए। इस आंकड़े को देखकर पता चलता है कि आम आदमी को महंगाई से राहत नहीं मिली। साथ ही लोगों पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। खुदरा महंगाई जनवरी महीने में 3 महीने के उच्च स्तर 6.52% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही महंगाई एक बार फिर RBI के संतोषजनक स्तर से ऊपर चली गई। साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति गत दिसंबर में 5.72% और जनवरी 2022 में 6.1% थी। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर पर दिन बढ़ते ही जा रही है।